प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवान के एक होटल में पहुंचे। इस दौरान भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम बिहार के हर जिले में जाएंगे, सबसे पहले कार्यकर्ता संवाद होगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में हम जनता के साथ बिहार का दौरा करेंगे। कौन की टिप्पा टिप्पणी करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे, चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के कैडर जो है उन सब लोगों से संवाद करने। लालू जी, कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने पर कहा, यह हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा की जा रही लगातार निगरानी का नतीजा है। इसमें एक सतत निगरानी हमारे पुलिस बल और अर्धसैनिक बल मिलकर कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। विगत वर्षों से सरकारें इस गंभीर समस्या से जूझ रही है और धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ बना तो आप ये सोचे कि 5 बटालियन तैनात थी छत्तीसगढ़ में, आज 60 से ज्यादा बटालियन तैनात है। तो समय के साथ 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 और वहां से आज हम 3 सितंबर 2024 में हैं। इस दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ाने की स्थिति बनी और योजनाबद्ध तरीके से जो काम हो रहा है, तो बहुत गंभीर समस्या से जूझते हुए एक आज बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मेरी जानकारी में भी करीब 9 नक्सलाइट्स के शरीर पाए गए हैं और सर्चिंग अभी चल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने पर कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है। हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं, और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा की सदस्यता अभियान पर कहा, यह संगठन महापर्व है, इसमें विकसित भारत विकसित बिहार के नींव रखे जाएंगे। ये सदस्यता अभियान का संगठन महापर्व है और इस संगठन महापर्व विकसित बिहार विकसित भारत का नींव रखेगा। हर घर में उस नींव की ईंट हम लोग लाएंगे, सदस्य बनाएंगे, बुलंद विकसित इमारत भारत का बनाएंगे। ये संकल्प हमारा है और ये संकल्प को पूरे बिहार के अंदर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उससे बिहार को मुक्त करने का अभियान चलाएंगे।